चीन से दोस्ती करके भारत के खिलाफ पिछले कई दिनों से ताल ठोक रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने एक बार फिर से भारत का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा है और इस बार मुइज्जू ने यह बयान मालदीव की संसद में दिया है। खास बात यह है कि जब मुइज्जू ये भाषण दे रहे थे तब उनकी संसद लगभग खाली थी और 87 सीटों वाली संसद में महज 24 सांसद ही मौजूद थे। यानी कहा जा सकता है कि मुइज्जू के पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, लेकिन फिर भी वो अपना भारत विरोधी एजेंडा छोड़ने को तैयार नहीं है। पहले आपको बताते हैं कि मुइज्जू ने अपने मुल्क की संसद में भारत के खिलाफ कैसे बयानबाजी की और फिर आपको बताएंगे कि कैसे अपने ही देश में मुइज्जू अकेले पड़ते जा रहे हैं। संसद में भाषण देते हुए मुइज्जू ने भारत का नाम लिए बिना कहा कि किसी भी देश को मालदीव की संप्रभुता में दखल करने या उसे कमजोर करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यही नहीं, मुइज्जू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर भारत के साथ हुई डील को भी भुनाने की पूरी कोशिश की। मुइज्जू ने कहा कि भारत के साथ हुई बातचीत में तय हो गया है कि उनके सभी 80 भारतीय सैनिक 10 मई तक भारत लौट जाएंगे। देश में भारत के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म हैं, इसमें से एक पर मौजूद सैनिक 10 मार्च तक भारत लौटेंगे। इसके बाद 2 और प्लेटफॉर्म पर मौजूद भारतीय सैनिक 10 मई तक अपने देश चले जाएंगे। मुइज्जू ने कहा कि उनका मानना है कि मालदीव के अधिकांश लोग इस उम्मीद के साथ उनकी सरकार का समर्थन करते हैं कि वो देश से विदेशी सैनिकों को हटा देंगे और इसके साथ ही उनका लक्ष्य समुद्री क्षेत्र को वापस पाना है। भारत के खिलाफ अपनी सरकार के रुख पर बयान करते हुए मुइज्जू ने कहा, मालदीव भारत के साथ पानी पर रिसर्च करने वाले एग्रीमेंट को भी रिन्यू नहीं करेगा और किसी भी देश को हमारी संप्रभुता में हस्तक्षेप करने या उसे कमजोर करने की अनुमति नहीं देंगे। भारतीय सैनिकों की वापसी की बात करते हुए मुइज्जू ने वापसी की तारीख तो बता दी, लेकिन ये नहीं बताया कि मालदीव में भारत के 3 एविएशन प्लेटफॉर्म एक्टिव रहेंगे और भारत इन्हें ऑपरेट करने के लिए नए लोग भेजेगा। मुइज्जू के भाषण में उनके तेवरों को देखकर लगता है कि वो जोरदार फॉर्म में है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि धीरे धीरे अपने देश में समर्थन खोते जा रहे हैं और इसकी वानगी इसी भाषण के दौरान नजर आई। दरअसल मुइज्जू लगभग खाली संसद में भाषण दे रहे थे, विपक्षी दलों ने उनके भारत विरोधी रुख के कारण उनके भाषण का बॉयकॉट किया और मुइज्जू के भाषण से पहले ही मालदीव की 2 मुख्य विपक्षी पार्टियों मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स पार्टी ने बॉयकॉट का ऐलान किया था। सोमवार को जब मुइज्जू मालदीव की संसद पहुंचे तो ज़्यादातर सीटें खाली थीं। मुइज्जू जब भाषण दे रहे थे तब केवल 24 सांसद ही मौजूद थे। 87 सीटों वाली मालदीव की संसद के कुल 56 सांसदों ने मुइज्जू के अभिभाषण का बॉयकॉट किया। इनमें से डेमोक्रेट के 13 सांसद और MDP के 43 सांसद हैं। लोकल रिपोर्टों से पता चलता है कि यह मालदीव की संसद के इतिहास का सबसे बड़ा बहिष्कार है। MDP और डेमोक्रेट पार्टी राष्ट्रपति मुइज्जू पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर भी काम कर रहे हैं। विपक्ष की नाराजगी मुइज्जू के तानाशाही रवैये को लेकर बढ़ गई है। दरअसल प्रेसिडेंट ने अली हसन को गृहमंत्री नॉमिनेट किया है, विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है। इसके अलावा घसाम मामून को रक्षा मंत्री चुना गया है। इन दोनों ही नामों को लेकर विपक्ष और यहां तक कि सत्ता पक्ष के कई सांसद नाराज हैं। इसके अलावा मुइज्जू अपनी भारत विरोधी नीति के चलते भी विपक्ष के निशाने पर हैं और आरोप है कि वो भारत विरोध में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि मालदीव में चीन को पैर जमाने का पूरा मौका दे रहे हैं। मालदीव में करीब 80 भारतीय सैनिक हैं, ये 2 हेलीकॉप्टर और 1 एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन संभालते हैं। आमतौर पर इनका इस्तेमाल रेस्क्यू और सरकारी कामों में किया जाता है। भारत अपने पड़ोसी देश मालदीव को डिफेंस समेत दूसरे क्षेत्रों में भी लंबे समय से सहयोग करता रहा है, लेकिन नवंबर 2023 में मुइज्जू के सत्ता संभालने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव पैदा हो गया जो अब और बढ़ता ही जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर दें और देखते रहिए न्यूज़ नेशन।